नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर अभी मौजूद हुआ हूँ आपके समक्ष दिन की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। मौसम अभी और स्थायी गर्मी, चार जिलों में अधिकतम तापमान ने तोड़े रिकॉर्ड, मैदानी भागों में लू का लहर। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के आसार कम हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में आगामी चार दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। ऐसे में इस दौरान पारा और चढ़ने की संभावना है। प्रदेश के मैदानी जिलों में 1 अप्रैल को भी लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा। मैदानी जिलों में लू चलने से दिन के समय लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा शिमला, मनाली व अन्य हिल स्टेशनों में पसीने छूटने लगे हैं। उपलब्धि, राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती में हिमाचल की कृतिका ने जीता कांस्य पदक। बिहार के पटना में 28 से 30 मार्च तक हुई राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में हिमाचल की कृतिका ने कांस्य पदक जीता है। कृतिका ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश की तरफ से 30 पहलवानों ने कुश्ती प्रतियोगिता में हिमाचल का प्रतिनिधित्व किया। 10 लड़कियों में मेडल जीतने वाली कृतिका ही है। कृतिका हमीरपुर जिले से संबंध रखती है। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय प्रशिक्षकों, गुरुओं और परिजनों को दिया है। वहीं इनके कोच के रूप में सुंदरनगर की अंकिता ठाकुर ने भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार टांडा में बनाएगी 50 बिस्तर का क्रिटिकल केयर अस्पताल। कोरोना संक्रमण में पैदा हुए हालात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार टांडा मेडिकल कॉलेज TMC अस्पताल में 50 बिस्तर की क्षमता का एक क्रिटिकल केयर अस्पताल बनाएगी। इसके निर्माण के लिए टांडा अस्पताल ने प्रारंभिक नक्शा तैयार कर लिया है। अब केंद्रीय टीम टांडा का दौरा करके इसके निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। वहीं TMC के प्राचार्य डॉक्टर भानु बस्ती ने यह बात आज प्रेस वार्ता में कही। अमित शाह से मुलाकात, नाबार्ड की तर्ज पर मांगा सहकारिता विभाग से गठित FPO का प्रोत्साहन। हिमाचल प्रदेश के सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने कृषक उत्पादक संगठनों FPO के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि सहकारी समितियों के रूप में FPO की कवरेज के लिए योजना का विस्तार प्रदेश के सभी विकास खंडों तक किया जाना चाहिए, चाहे वे एकीकृत सहकारी विकास परियोजना ICDP के तहत आते हो या नहीं। इसके अलावा भारद्वाज ने कहा कि राज्य सहकारिता विभाग की ओर से गठित FPO को भी उसी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जैसा कि नाबार्ड की ओर से गठित FPO को दिया जा रहा है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों PACS से संबंधित ब्याज सबवेंशन केवल कृषि बागवानी संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए उपलब्ध है। हिमाचल के किन्नौर में 15 दिन पहले शुरू हो गई सेब की फ्लावरिंग। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले किन्नौर में कुछ दिनों से गर्मी का प्रकोप जारी है। इससे तापमान में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। एक माह से बारिश नहीं होने से बागवानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहाड़ भी तपने लगे हैं, बर्फ और ग्लेशियर भी तेजी से पिघलने लगे हैं। अचानक मौसम में बदलाव और तापमान में बढ़ोतरी होने से इस वर्ष मार्च के अंत में सेब की फ्लावरिंग हो चुकी है। वहीं यह फ्लावरिंग अप्रैल में होती थी। जिले के बागवानों का कहना कि इस वर्ष अचानक तापमान बढ़ने से सेब की फ्लावरिंग 12 से 15 दिन पहले ही हो गई है। हालांकि किन्नौर के प्रगतिशील बागवान गेवा शंकर नेगी ने इस वर्ष सेब की अच्छी फसल होने की उम्मीद जताई है। आर्किटेक्चर में दाखिले के लिए 12वीं में PCM की शर्त बरकरार। 5 वर्षीय आर्किटेक्चर डिग्री कोर्स में दाखिले को लेकर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICT ने अपना निर्णय वापस ले लिया है। दरअसल गत दिवस AICT ने आर्किटेक्चर में दाखिले के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और मैथमेटिक्स को गैर जरूरी बताया था। AICT के इस निर्णय के बाद आर्किटेक्चर काउंसिल ने इसका विरोध जताया था। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, गैस सिलेंडर पर हार चढ़ाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज बढ़ती महंगाई के विरोध में शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर पर हार चढ़ाकर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की चीज़ों के दामों में आग लगी हुई है, पेट्रोल डीजल के दामों पर भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।
रोज पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इस दौरान कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह और हर्ष महाजन उपस्थित रहे। विश्वविद्यालयों को बदलना पड़ सकता है पीजी प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 7 अप्रैल से यूजी की वार्षिक परीक्षाएं लेगा। ये परीक्षाएं 24 मई तक चलेंगी। इस बार करीब एक माह देरी से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। वार्षिक परीक्षाओं के चलते विश्वविद्यालय का पहले जारी संभावित अकादमिक शेड्यूल गड़बड़ाता नजर आ रहा है। यूजी की सालाना परीक्षाओं के बीच विद्यार्थी पीजी की प्रवेश परीक्षाएं कैसे दे पाएंगे? ऐसे में प्रदेश विश्वविद्यालय को प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल बदलना पड़ सकता है। यूजी फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को सालाना परीक्षाओं के बीच ही जहां 1 मई तक पीजी प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, वहीं परीक्षाओं के बीच ही 17 मई से पीजी की प्रवेश परीक्षाएं देना मुश्किल हो जाएगा। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर को आज सोलन कोर्ट में पेश किया गया। यहां से 12 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वह 11 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। अदालत से बाहर आते ही रोमित को धर्मशाला पुलिस ने कब्जे में ले लिया। उसे अब 11 अप्रैल को सोलन सत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा। शिकायतकर्ता धर्मपाल पुत्र दिलाराम निवासी गांव सैफ अरकी ने बीते 4 जनवरी को रोमित के खिलाफ थाना अरकी में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। वहीं इसमें रोमित ने भाषण में स्वर्ण समाज और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच जातिगत तौर पर बांटने की नीयत से भड़काऊ बातें कही थी। इस पर अरकी थाना में धारा 153-505-2 IPC और SC/ST के तहत मामला दर्ज किया गया था। 26 मार्च को रोमित को अरकी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शिक्षा निदेशालय का फैसला, हिमाचल के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 4 दिन की छुट्टियां। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में शुक्रवार यानी कल से 4 दिन की छुट्टियां रहेंगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों में 1 से 4 अप्रैल तक छुट्टियाँ घोषित की है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से विद्यार्थियों को परीक्षाओं के दौरान तनाव से दूर रहने के टिप्स देंगे। ऐसे में उच्च शिक्षा निदेशालय ने ग्रीष्मकालीन स्कूलों में छुट्टियां घोषित करने के बावजूद 6ठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों और शिक्षकों को इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण स्कूलों में देखने के लिए आना अनिवार्य किया है। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला बोले, पर्यटक की तरह आई है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का मुकाबला भाजपा से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, वह केवल एक पर्यटक की तरह यहां आई है। विधानसभा चुनाव में केवल कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला होगा। आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस से मुख्यमंत्री का चेहरा और संगठन की सरदारी हाईकमान तय करेगा। इसके अलावा शुक्ला ने कहा कि प्रदेश की सत्ता में आते ही कांग्रेस कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करेगी, आउटसोर्स कर्मियों को नियमित किया जाएगा। सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में आउटसोर्स आधार पर भर्तियों की प्रथा को समाप्त किया जाएगा। जितने भी कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर लगे हैं उन्हें नियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह का निजी आवास होलीलोज कांग्रेस का प्रदेश में एसेट है। तो ये थे आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।